हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू हियर अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट अ पोजीशन के बारे में। सो बेसिकली गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप उस कम्युनिटी पोस्ट में जाके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गाइस, अगर आपने अभी तक उस कम्युनिटी पोस्ट में जाके अपना कमेंट नहीं डाला है कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप जाके अभी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इन फ्यूचर उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि मैं जरूर, जैसे आप पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक देते हैं मैं तो पर्टिकुलर उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाने वाला हूँ। ऐसे ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे जस्ट अ पोजीशन के बारे में बोला कि सर आप जस्ट अ पोजीशन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं जस्ट अ पोजीशन के ऊपर ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज जस्ट अ पोजीशन, क्या जस्ट अ पोजीशन क्या होती है, और क्या जस्ट अ पोजीशन ही स्ट्रीट फोटोग्राफी है, और जस्ट अ पोजीशन किस किस लेवल पे और किस किस एलिमेंट्स के साथ करी जा सकती है अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो। तो मैं इन सारी चीजों का इसमें आंसर करने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जस्ट अ पोजीशन की डेफिनेशन के बारे में कि जस्ट अ पोजीशन होता क्या है। सो बेसिकली अगर हम इसके नाम को ध्यान से देखें तो जस्ट अ पोजीशन, अगर हम ऐसे बोले तो इज लाइक अ जस्ट अ पोजीशन। गाइस, जस्ट अ पोजीशन बोलते हैं जब भी आप किसी भी दो एलिमेंट को एक साथ जोड़ देते हैं, यानी कि जब भी आप दो एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, या तो आप उनका कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं या उनके बीच का कंपैरिजन दिखाते हैं या उनके बीच का रिलेशन दिखाते हैं, तो उस चीज में, यानी कि दो एलिमेंट्स को आपने जोड़ दिया एक साइड, उस चीज को हम जस्ट अ पोजीशन बोलते हैं। सो बेसिकली स्ट्रीट में जस्ट अ पोजीशन कई लेवल के ऊपर की जाती है, यानी कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में अगर हम जस्ट अ पोजीशन बोले तो वो बेसिकली अगर कॉमन बात करें तो वो हो सकती है पहली बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर पीछे कुछ पोस्टर है और आगे आपका कुछ वर्क हो रहा है, उसको आप कोरिलेट कर रहे हो। गाइस, जो दूसरा एलिमेंट है जो जस्ट अ पोजीशन में जो यूज होता है बेसिकली कॉमनली काफी, वो है कलर्स, यानी कि कलर के बेसिस पे भी बहुत ज्यादा जस्ट अ पोजीशन है जो यूज की जाती है। लाइक किसी ने बैकग्राउंड में किसी का ब्लू कलर है, ठीक है, किसी वॉल का, और उसी ने और जो सामने से ह्यूमन बींग जा रहा है, जो पर्सन जा रहा है उसने भी ब्लू कलर का शर्ट पहना है, तो उस तरीके का हम कोरिलेशन क्रिएट करते हैं। तो इट्स लाइक दिस इज द जस्ट अ पोजीशन। सो गाइस, जो थर्ड चीज है वो है शेप टेक्सचर और फॉर्म्स। गाइस, शेप टेक्सचर और फॉर्म में जस्ट अ पोजीशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसी भी पर्टिकुलर टेक्सचर और फॉर्म के दो एलिमेंट्स, मान लीजिए अलग अलग फॉर्म और टेक्सचर्स के हैं, उन दोनों को किसी तरीके से कोरिलेट किया जाता है, उन दोनों को जोड़ा जाता है और एक नई चीज क्रिएट की जाती है। तो गाइस, जो जस्ट अ पोजीशन है वो बेसिकली बहुत सारे स्ट्रीट फोटोग्राफर अपने स्टार्टिंग करियर में यूज करते हैं। स्टार्टिंग करियर यानी कि जब वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर घुसते हैं तब वो जस्ट अ पोजीशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कॉमनली मैंने तो करी थी। अब ऐसा क्यों है? बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा है, जस्ट अ पोजीशन से ही स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी को धीरे धीरे। फिर जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स अपने जॉनर चेंज कर लेते हैं, जॉनर मतलब अपने स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी में कुछ और डेवलप कर लेते हैं, और बहुत सारे उसी पर टिके रह जाते हैं, ठीक है। बट पर्टिकुलरली मुझे क्या लगता है कि अगर ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्या जस्ट अ पोजीशन ही स्ट्रीट फोटोग्राफी है, तो मैं इसमें बोलूंगा मेरे एक बहुत बड़ा मैं ना बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जस्ट अ पोजीशन एक स्ट्रीट फोटोग्राफी का हम बोल सकते हैं एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, जो कि यूज होता है जब आप, मतलब एक मैं बोलूंगा जैसे कि रिफ्लेक्शंस हैं, जैसे चिल्ड्रंस हैं, जैसे एनिमल्स यूज किए जाते हैं, वैसे ही जस्ट अ पोजीशन भी एक पार्ट है स्ट्रीट फोटोग्राफी। बेसिकली आपको इस वीडियो में ये तो क्लियर हो गया होगा कि जस्ट अ पोजीशन क्या होती है, और सिर्फ जस्ट अ पोजीशन ही स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, और हमें इससे ओवरकम करना है, इस चीज़ों से इससे आगे निकलना है। बहुत स्ट्रॉन्ग जस्ट अ पोजीशंस ही आजकल स्ट्रीट फोटोग्राफी में देखे जाते हैं, क्योंकि बहुत कॉमनली जैसे वॉल का कलर और आपके सब्जेक्ट का कलर, ये बहुत ज्यादा क्लीशे हो चुका है, आप बहुत ज्यादा लोग इस तरीके का काम कर चुके हैं, तो देखने में मजा भी नहीं आता है। तो आपको एक यूनिक वॉइस क्रिएट करना है अपने फोटोग्राफ्स के थ्रू, ठीक है,
तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन का भी आंसर करना चाहिए कि क्या जस्टापोजिशन ही स्ट्रीट फोटोग्राफी है, क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है स्टार्टिंग में। मैं मना नहीं करूंगा, स्टार्टिंग में अगर आपका करियर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर एंटर कर रहे हो तो आप सब कुछ ट्राई करो, आप इस तरीके की चीजें करो, क्योंकि इस तरीके की चीजें से क्या होता है, जब आप इस तरीके के फॉर्म्स, टेक्सचर्स, आप कलर्स, आप ये आप जो कोरिलेशन है, जब आप ये सब नोटिस करना स्टार्ट कर देते तो आपकी प्रैक्टिस डेवलप होती है। तो जिस तरीके से आपकी प्रैक्टिस डेवलप होती है, धीरे धीरे आप उस लेवल को और अपग्रेड करते रहते हो, आपको खुद भी नहीं पता चलता। मैंने भी स्टार्टिंग में इस तरीके की बहुत सारी फोटोग्राफ खींची हैं, क्लिक करी हैं, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरा एक प्रैक्टिस डेवलप हुआ ओवर द टाइम, फिर मैंने उससे ओवरकम किया। लेकिन ओवर द टाइम में ओवरकम भी करना है उस चीज़ों से, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आप तभी जस्टापोजिशन को क्लिक करो जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बेसिकली जस्टापोजिशन इज लाइक दो एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, एक उनका कंपैरिजन दिखा रहे हैं या उनका कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं या उनका रिलेशन दिखा रहे हैं। और जस्टापोजिशन इतना ज्यादा चलता भी इसलिए है क्योंकि उसमें होता क्या है कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है, एक नई चीज देखने को मिलती है जो रियलिटी में नहीं होती है, ठीक है। जस्टापोजिशन दो एक ऐसे एलिमेंट्स को मिला देता है जो रियलिटी में मिल नहीं सकते उस तरीके से। मान लीजिए आपने किसी डॉग का और किसी डॉग के साथ किसी कैमल का जो सर है वो अटैच कर दिया, तो इट्स लाइक यार ये क्या चीज है, तो वो अट्रैक्ट करता है ऑडियंस का बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्योंकि एक ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है वो देखने को मिलती है, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे यार ये क्या है, तो वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा ग्रैप करता है इंस्टाग्राम पे, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि जस्टापोजिशन क्या होती है और जस्टापोजिशन ही स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, और हमें उससे ओवर द टाइम ओवरकम भी करना है, और वो जिसका अगर वो आपका वॉइस से रिलेट होता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि आपको और चीजें भी एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट डिस्कवरी, कि आप क्या डिस्कवर करते हैं और नया। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो भी समझाने की कोशिश करी, आई होप। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके जो मैंने पोस्ट किया हुआ है वहां जाके डाल सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।